हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जियो का जो पिछला ऑफर था वो था वेलकम ऑफर, जो कि 31 दिसंबर 2016 तक था, जिसको अब जियो ने एक्सटेंड करके हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वैलिडिटी अब 31 मार्च 2017 में कम्प्लीट होगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों में कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि जियो अपना हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर आपको एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ट्राई ने जियो से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब अब जियो ने ट्राई को दे दिया है, जिसकी वजह से अब इसको एक्सटेंशन मिल चुकी है आगे हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में। तो बेसिकली ट्राई ने जियो से पूछा था कि आप जो अपना प्लान देंगे न्यू हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर का जो प्लान है बेसिकली, वो आपके वेलकम ऑफर से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, जैसे जिससे आपके जितने भी टर्म्स कंडीशन अप्लाई होती हैं वो सारी अलग होनी चाहिए वेलकम ऑफर से, तभी ट्राई आपको हैप्पी न्यू ईयर में कंटिन्यू एक्सटेंशन देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब इसको एक्सटेंशन मिल चुकी है, तो वो क्या ऐसी इनको ऑफर्स हैं जो जिस हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में आपको देखने को मिलेंगी, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा उनके बारे में। जैसे कि आपके पास जियो सिम है, आप अपने मोबाइल में जब जियो माई जियो की ऐप ओपन करेंगे, जैसे कि इसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको साइन इन करना है, और अगर साइन इन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बेसिकली वहाँ पे एक अपडेट की ऑप्शन ज़रूर मिलेगी, वहाँ पे आप इसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपको ये पॉपअप विंडो मिलेगी है देखने को, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आप देख सकते हैं जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा और SMS मिलेंगे 31 मार्च 2017 तक। जी पर इसमें आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1 GB की हाई स्पीड डाटा मिलेगा एवरी डे, जिसके बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी, बट ये आपको अनलिमिटेड ही मिलेगा, जो कि स्पीड आपकी होगी 128 KBPS। जी हाँ दोस्तों, इसमें बेसिकली आप यहाँ पे नीचे रिचार्ज और यूसेज का कॉलम दे सकते हैं। जैसे कि पिछले वेलकम ऑफर में आपको सिर्फ यूसेज का मिलता था, रिचार्ज की ऑप्शन आपको नहीं मिलती थी, जो इन्होंने ये फीचर ऐड करा इस बारी। आप अगर बेसिकली आप अपने मोबाइल में 1 GB डाटा आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप हाई स्पीड डाटा चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिचार्ज करने की आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। जैसे कि आप रिचार्ज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर माई प्लान करके और ब्राउज प्लान करके आपको दो ऑप्शन मिलती हैं। वैसे माई प्लान में आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आपको सब कुछ पता ही होगा कि 31 मार्च 2017 तक आपको कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हाई स्पीड डाटा चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन ज़रूर है, बट आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलिंग के लिए कोई पैसा देने की रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि ये प्रीपेड ही है। आप कई लोगों को वहम होगा कि अब अफवाहें भी होती हैं, बहुत सारे प्रैंक्स होते हैं या बहुत सारे आपको स्कैम मिलेंगे यूट्यूब्स पे, कि जैसे कि आपका बिल 17,000 या 15,000 आ रहा है। बेसिकली दोस्तों, आपने कभी सुना है कि प्रीपेड मोबाइल में कभी बिल आता है? वो तो पोस्टपेड पे आता है यार, आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ऐसे वीडियोस पे कि आपको 17,000 बिल आ गया? ये बेसिकली प्रीपेड आपका सिम है, तो इसमें तो मतलब ही नहीं बनता कि आपको यहाँ पे आपका बिल आएगा। तो बेसिकली ये तो आपको प्रीपेड सिम है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। तो दूसरा, आपको प्लान के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आपको ब्राउज प्लान में जाना पड़ेगा। ब्राउज प्लान में आपको दो ऑप्शन मिलती है, कॉम्बो और बूस्टर। कॉम्बो में बेसिकली आपको दो प्लान इन्होंने इंक्लूड करें, जैसे ISD के लिए, ISD में आपको 501 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसमें आपको टॉक टाइम मिलेगा 435 रुपीज़ का, जो कि सिर्फ यूज़ होगा आपके ISD कॉलिंग के लिए इंडिया में रहते हुए, जिसकी वैलिडिटी आपको 28 दिन तक मिलेगी। अगर आपको ISD कॉल रेट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं जियो की। और उसके नीचे एक SMS की इन्होंने आपको यहाँ पे दे दी है, आपको एक और इसमें प्लान दी है 201 रुपीज़ का, जिसमें आपको बैलेंस मिलेगा 175 रुपीज़, बट ये आपको मिलेगा SMS बैलेंस, ना कि आपको टॉक टाइम बैलेंस मिलेगा। तो जिसकी आप इसको सेंड कर सकते हैं लोकल या नेशनल SMS इंडिया में रहते हुए, 85 पैसा पर SMS आपको पड़ेगा, और लोकल और नेशनल, और आपको 5 रुपीज़ पड़ेगा आपको ISD, जिसकी वैलिडिटी आपको 28 डेज़ तक ही होगी। ये तो था आपका SMS पैक के लिए और ISD कॉलिंग के लिए दोस्तों। अगर आपको नेट के लिए डलवाना है, जैसे आपको 1 GB आप इसको एक्सीड ख़त्म कर चुके होते हैं, तो अगर आपको हाई स्पीड डाटा चाहिए बेसिकली, तो उसके लिए आपको दो प्लान्स आपको नेट पैक के मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 301 रुपीज़ का एक डाटा प्लान है, जो आपको 6 GB मिलेगा हाई स्पीड डाटा, और जिसकी वैलिडिटी होगी 28 दिन के लिए। और दूसरा प्लान आपको मिलेगा 51 रुपीज़ का, जिसमें आपको 1 GB डाटा मिलेगा हाई स्पीड 4G, और जिसकी वैलिडिटी होगी 1 डे।
तो बेसिकली ये जो दो प्लान्स हैं वो आपके 1 GB पर डे यूसेज की ख़त्म होने के बाद ही कंटिन्यू होगा। आपको ऐसा ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा वन जब मैंने अगर 300 रुपीज़ का रिचार्ज करवा लिया तो 1 GB में अगर एक दिन में मैं 2 GB डाटा यूज़ करता हूँ, तो बेसिकली आपका 1 GB जो डाटा है वो आपका जो इन्होंने जो फ्री में आपको दिया वो ख़त्म होगा। उसके बाद आप जो दूसरा 1 GB यूज़ कर रहे हैं वो आपका डाटा पैक पे जो आपने बूस्टर प्लान एक्टिवेट करवाया उसमें से यूज़ होगा। आपके 2 GB डाटा का डिडक्शन नहीं होगी। आपको 1 GB जब आपको जो आपकी लिमिट मिली है उसके ऊपर क्रॉस जाते हैं तभी डाटा प्लान आपको अगर एक्टिवेट करवा रखा है तो अभी ये उसके बाद यूज़ होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि आपको क्या हो जाएगा कि आपका डाटा प्लान जो फ्री में था वो यूज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ये प्लान्स जो बेसिकली फ्यूचर में अगर देखा भी जाए, अगर ये प्लान्स रहते भी हैं तो सभी हर एक बंदा करवा सकता है इसको रिचार्ज, क्योंकि 6 GB डाटा 301 रुपीज़ में आपको आज तक 3G का भी कभी नहीं मिला होगा दोस्तों। तो बेसिकली ये बहुत चीपेस्ट प्लान है इनके 4G के, जो जियो ने आपको एक रेवोल्यूशन ला दी है। आप इसको इंजॉय करिए, अच्छे से इंजॉय करिए। अगर आपको कुछ भी लेके अगर जियो के बारे में, जियो सिम के बारे में, जियो से नेटवर्क के बारे में को लेकर कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ अप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।